हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम वेंचुरी मीटर के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। किसी भी पाइपलाइन के अंदर में यदि हमको डिस्चार्ज नापना है, दैट इज वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम कितना बह रहा है पर यूनिट टाइम में, तो हम वेंचुरी मीटर का यूज़ करते हैं। तो इसको हम पाइपलाइन के बीच में हम इसको लगा देते हैं, जो भी पाइपलाइन होती है, और वहाँ पर हमारे पास में इसकी रीडिंग को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या है वेंचुरी मीटर, पर थोड़ा सा देख लेते हैं। वेंचुरी मीटर इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द रेट ऑफ डिस्चार्ज इन अ पाइपलाइन। दूसरा, इट इज यूजुअली फिक्स्ड परमानेंटली एट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अ पाइपलाइन टू फाइंड द डिस्चार्ज। नेक्स्ट, इसको यूज करने के लिए हम दो प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं, बर्नौलीज का प्रिंसिपल और कंटिन्यूटी इक्वेशन। वेंचुरी मीटर को अपन बेसिकली मोटे तौर पर तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड। और हमारे पास में यदि हम देखें तो वेंचुरी मीटर में यदि हम ध्यान दें तो उसमें तीन पार्ट होते हैं वेंचुरी मीटर में। तो हम यदि देखें तो जैसे ये मान लीजिए आपकी पाइपलाइन है, पाइपलाइन में पहले यहाँ पर एक कन्वर्जिंग सेक्शन होता है, उसके बाद में यहाँ पर एक थ्रोट होता है, और उसके बाद में यहाँ पर एक आपका डाइवर्जिंग सेक्शन होता है। दिस इज कन्वर्जिंग सेक्शन, कन्वर्जिंग सेक्शन, कन्वर्जिंग सेक्शन, दिस इज डाइवर्जिंग सेक्शन, और जो बीच में है इसको बोलते हैं अपन थ्रोट। तो हमारे पास में तीन है भाग इसके, एक है शॉर्ट कन्वर्जिंग सेक्शन, दूसरा है थ्रोट, और तीसरा है आपका डाइवर्जिंग सेक्शन। कन्वर्जिंग सेक्शन एज कम्पेयर टू डाइवर्जिंग सेक्शन छोटा होता है, डाइवर्जिंग सेक्शन थोड़ा सा बड़ा होता है, और फ्लो आपका होगा ऐसे कन्वर्जिंग से डाइवर्जिंग की तरफ। तो यहां पर अपन थोड़ा सा और देख ले, अपन ये वाला भाग है दैट इज द कन्वर्जिंग सेक्शन, ये वाला थ्रोट, सेंटर वाला थ्रोट, दिस इज कन्वर्जिंग सेक्शन, दिस इज थ्रोट, एंड दिस इज योर डाइवर्जिंग सेक्शन। यहां पर हम देखें कि ये जो फ्लो हो रहा है आपका यहां से यहां की तरफ में हो रहा है, इस डायरेक्शन में, जिस तरफ से फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं हम अपस्ट्रीम, और जिस तरफ जाता है उसको बोलते हैं अपन डाउन स्ट्रीम। अब यहां पर देखिए जो कन्वर्जिंग सेक्शन है इसके बारे में अपन थोड़ा सा देख ले। दिस कोनिकल सेक्शन हैज अ टोटल इंक्लूडेड एंगल ऑफ 21 डिग्रीज प्लस माइनस 2 डिग्री। तो ये जो इसका अल्फा एंगल है, यहाँ पर ये जो अल्फा एंगल बनता है, यहाँ पर ये जो इसका अल्फा एंगल बनता है जिसको अपन अल्फा 1 बोल रहे हैं, उसकी वैल्यू होती है 21 से प्लस माइनस 2 डिग्री। तो यहाँ पर आपके दिस इज योर अल्फा 1। फिर इसके बाद में हम बात करें कि एज द फ्लूइड पासेस थ्रू द कन्वर्जिंग सेक्शन, तो जो आपका फ्लो है उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, जैसे जैसे हम कन्वर्जिंग सेक्शन से आगे बढ़ते हैं तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती है, और साथ ही साथ में जो स्टैटिक प्रेशर होता है वो यहाँ पर डाउन होना चालू हो जाता है। इस वाले सेक्शन में आके क्योंकि क्रॉस सेक्शनल मिनिमम है, तो यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है थ्रोट पे, और आपका प्रेशर है दैट इज योर मिनिमम, और ये वाला आपका डाइवर्जिंग सेक्शन है, दिस इज योर डाइवर्जिंग सेक्शन। तो आपके थ्रोट की बात करें तो इट हैज द मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया, here the velocity is maximum and the pressure is, here the velocity is maximum and the pressure is, and the pressure is minimum. फिर हम आगे बात करें इस throat की, यदि अपन बात करते हैं तो throat का जो diameter है it is half to 1/4 of the inlet diameter. ये जो inlet diameter है इसका half से लेकर 1/4 तक का रहता है इसका डायमीटर। और तो जो लेंथ है थ्रोट की दैट इज इक्वल टू इट्स डायमीटर, ये जो थ्रोट है इसकी जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू इट्स डायमीटर, ये दोनों बराबर होती है। फिर हम बात करें इसके डाइवर्जिंग सेक्शन की, तो यहाँ पर हम देखें कि ये जो इसका जो डाइवर्जिंग सेक्शन है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, इसका एंगल जो है इंक्लूडेड एंगल जो है वो 5 से 7 डिग्री तक रहता है, और कभी कभी अपन इसको 14 डिग्री तक भी ले जाते हैं, कुछ केसेस में 14 डिग्री भी पहुंच जाता है, अदरवाइज ये 5 to 7 डिग्री का इसका जो एंगल है इंक्लूडेड एंगल है दैट इज योर 5 to 7 डिग्रीज। तो ये जो एंगल है आपका, दिस इज योर अल्फा 2,
दिस इज योर 5 to 7 degrees। फिर इसके बाद अपन देखें ये एंगल अपन को छोटा क्यों रखना पड़ता है, ये वाला जो एंगल है अपने को इसलिए छोटा रखना पड़ता है क्योंकि जो फ्लो सेपरेशन होता है उसके लॉसेस को अपन मिनिमम करना चाहते हैं। द एंगल इज टू बी लेसर सो दैट द फ्लोइंग फ्लूड हैज मिनिमम लॉसेज ड्यू टू सेपरेशन आउट फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द सेक्शन। तो हमारे लॉसेज मिनिमम हो जाएंगे इससे। द डाइवर्जेंट सेक्शन इज मेड विद एन इंक्लूडेड एंगल ऑफ 5 to 7 degrees टू गेट अ मैक्सिमम रिकवरी ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फिर हाउ एवर इन सम केसेस द इंक्लूडेड एंगल मे बी एज हाई एज 40 degrees। अब यहाँ पर अपन एक्सप्रेशन फॉर डिस्चार्ज इसका थोड़ा सा अपन देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पर जो अपने पास में ये जो 1-1 सेक्शन है और ये जो 2-2 सेक्शन है, इन दो सेक्शन के बीच में हम दो इक्वेशंस लगाएंगे और दिस सेक्शन, इन दो सेक्शन पे अपन कंटिटी इक्वेशन और बर्नौलीज इक्वेशन को अपन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इस वाले के जितने भी पैरामीटर्स हैं उसको अपन 1 से और इसको 2 से डिनोट करेंगे एट सेक्शन 1। हमारे पास में प्रेशर है P1 और जो वेलोसिटी है दैट इज V1। दिस इज योर प्रेशर एंड दिस इज योर वेलोसिटी। और एट सेक्शन 2 हमारे पास में जो ये सेक्शन 2 है इस पे जो प्रेशर है दैट इज P2 एंड वेलोसिटी इज V2। ये है आपकी वेलोसिटी एंड दिस इज योर प्रेशर, दिस इज योर प्रेशर। अब यहां पर अपन ने दो पीजोमीटर लगा दिए, दीज आर पीजोमीटर, पीजोमीटर, ये भी आपका पीजोमीटर लगा है। तो इन दो पीजोमीटर में जब यहां पर क्योंकि प्रेशर ज्यादा है तो इसका जो हेड है वो थोड़ा ऊपर की तरफ में जाएगा, इसी लिक्विड का हेड जाके ऊपर उठ के जाएगा, और इसके अंदर क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई है और प्रेशर कम है तो इसका हेड कम जाएगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज योर एच। तो ये हेड क्या है, ये इन दोनों के प्रेशर के बीच का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच के प्रेशर का डिफरेंस है। और हेड किसके टर्म्स में, इस लिक्विड के टर्म्स में, जो भी लिक्विड बह रहा है उसके हेड के टर्म्स में। तो अपन यहां पर जब बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे, अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट सेक्शंस 1 and 2, हमको क्या पता चलेगा, P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1 equals to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2। प्रेशर, ये यहाँ पर जो प्रेशर है आ रहा है इस सेक्शन पे, वेलोसिटी V1 इस सेक्शन पे वेलोसिटी, Z1 ये जो ऊंचाई दे रखी है दैट इज द Z1, P2 आपका इस सेक्शन पे प्रेशर, V2 आपका इस सेक्शन पे वेलोसिटी, Z2 आपकी इसकी ऊंचाई। इस डेरिवेशन में हमारे पास में ये एक हॉरिजॉन्टल हम वेंचुरीमीटर को यूज कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास में Z1 और Z2 की वैल्यू बराबर हो जाएगी। अच्छा, इस चीज में एक और चीज मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि जो भी अपन देख रहे थे टाइप्स ऑफ वेंचुरी मीटर, तो यहाँ पर जब अपन बात कर रहे थे टाइप्स में तो वर्टिकल भी है और इंक्लाइंड भी है। तो ये वाला जो इस वाले को, इसको यदि हम, इस वाले को हम यदि इस टाइप से ले ले तो ये हो जाता है आपका वर्टिकल वेंचुरी मीटर, दिस बिकम्स योर वर्टिकल वेंचुरी मीटर, दिस इज योर वर्टिकल वेंचुरी मीटर। लेकिन यदि हम इसका किसी एंगल पे ले लें, इसको यदि हम इसको एक एंगल पे ले लेते हैं तो ये बन जाता है इंक्लाइंड वेंचुरी मीटर। यदि ये आपके पास में इस टाइप से है तो वर्टिकल वेंचुरी मीटर, यदि इस टाइप से हो गया तो दैट बिकम्स योर इंक्लाइंड वेंचुरी मीटर। तो अपन थोड़ा सा आगे इसको थोड़ा अपन देख लें, इसका जो अपन डेरिवेशन कर रहे थे अपन हॉरिजॉन्टल के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपने पास में दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1।
दूसरा हम देखें इन दो सेक्शंस पे ही, हम इस वाले सेक्शन पे और इस वाले सेक्शन पे, इन दो सेक्शन पे हम लगाते हैं अब कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अपने पास में है a1 v1 रो इक्वल्स टू a2 v2, क्योंकि आपका ये वाटर है और इनकम्प्रेसिबल फ्लूड है, तो ये आपका जो कंटिन्यूटी इक्वेशन दैट इज द मास फ्लो रेट है, इसके केस में ये दोनों बराबर होके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अपने पास बचेगा सिर्फ a1 v1 इक्वल्स टू a2। तो ये आपके पास में आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखें यहां पर, हम यहां पर इस इक्वेशंस में से लिख सकते हैं b1 इक्वल्स टू a2 v2 बाय a1। ये हो गया आपका थर्ड। अब हम यहां पर जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको देखें ध्यान से, तो अपन लिख सकते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 को लिख सकते हैं अपन, क्योंकि यहां पर दोनों के इलेवेशन बराबर हैं, तो ये भी आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अपने पास में बचेगा P1 माइनस P2 बाय रो जी। प्रेशर वाले टर्म को इधर लेगा, वेलोसिटी वाले टर्म को इधर लेगा, तो ये हो जाता है आपका V2 माइनस V1 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G। और ये P1 माइनस P2 बाय रो जी हेड का डिफरेंस, इसको लिख सकते हैं H इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G, और V1 की जगह अपन लिख देंगे ये वाली वैल्यू, तो अपने पास में ये आ जाएगा दिस बिकम्स योर H इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर की है जगह A2 V2 बाय A1 का होल स्क्वायर, यहां से अपन ने ले लिया डिवाइडेड बाय 2G, तो ये अपने पास में आ जाएगा H इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर, ये हो गया आपका V स्क्वायर बाय 2G। अब यहां से अपन को क्या करना है, सिंपली इस वैल्यू को अपन को यहां पर लिखना है 2GH हो जाएगा ये, दिस बिकम्स योर 2GH, ये हो गया V2 स्क्वायर कॉमन आ गया, और ये हो गया 1 माइनस 2 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर, और यहां से अपन लिख सकते हैं इसको 2GH इक्वल्स टू V2 स्क्वायर, ये हो गया आप इसका ये ले लें तो ये आ जाएगा A1 स्क्वायर, A1 स्क्वायर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आ जाएगा ये, और यहां से अपन लिख सकते हैं वेलोसिटी को V2 स्क्वायर इक्वल A1 स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा V2 स्क्वायर का ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, और यहाँ पर आपका साथ साथ में ये जो आपका 2GH है मिलेगा, तो ये हो गया आपका 2GH। तो यहाँ से यदि अपन सॉल्व करते हैं तो अपने पास में आ जाता है V2 की वैल्यू अंडर रूट, इस टोटल का अंडर रूट है, तो टोटल का अंडर रूट है तो A1 बचेगा सिर्फ A1, ये हो गया आपका 2GH डिवाइडेड बाय, क्योंकि अंडर रूट लेना है, ये हो गया A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। और उसके बाद में अपन देखें, क्योंकि अपने पास में डिस्चार्ज वॉल्यूम फ्लो रेट होता है A1 V1 इक्वल टू A2 V2, तो अपने पास में V2 की वैल्यू पता ही चल गई है, A2 की वैल्यू पता है, तो डिस्चार्ज को अपन लिख सकते हैं यहां पर, डिस्चार्ज की जगह अपन लिख सकते हैं Q इक्वल टू A2 V2, A2 की A2 को A2 लिखें, V2 की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दें, ये हो गया आपका A1 अंडर रूट 2GH डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर का अंडर रूट। तो दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर डिस्चार्ज इन वेंचुरी मीटर, डिस्चार्ज इन वेंचुरी मीटर। पर ये जो डिस्चार्ज है ये हमारा, दिस इज थ्योरेटिकल डिस्चार्ज,
दिस इज आवर थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, जो कि अपने पास में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से आया है, पर जो एक्चुअल में डिस्चार्ज है दैट इज लेस देन द चार्ज, क्योंकि कुछ लॉसेज हो रहे हैं उसके अंदर, इस कारण से जो डिस्चार्ज है दैट इज लेसर। तो हम फाइनली हमारे पास में जो एक्सप्रेशन आता है उसमें हम जो क्यू है उसको हम लिखते हैं क्यू इक्वल्स टू डिस्चार्ज इक्वल्स टू सी डी इंटू ए वन ए टू अंडर रूट टू जी एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर। इसके अंदर हम ये सी डी वाला टर्म को हम मल्टीप्लाई और कर देते हैं, हम इसके अंदर ये जो सी डी वाला टर्म है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कहलाता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, या कई बार अपन इसको बोलते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर। और इसकी वैल्यू जो है सी डी की वैल्यू आती है अपने पास में कभी कभी 0.96 से लेकर 0.98 के बीच में आ जाती है। तो अपने पास में जो एक्चुअल जो डिस्चार्ज है, एक्चुअल डिस्चार्ज, तो एक्चुअल डिस्चार्ज क्यू एक्चुअल इक्वल्स टू सी डू इंटी सी डी इंटू क्यू थ्योरेटिकल। तो ये अपने पास में दो और अपन फॉर्मूले की सहायता से इसको और अपन देख सकते हैं। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़े, इसमें और चीजों को थोड़ा देख लें कि जब हमारे पास में पाइप्स जो है जिनका डायमीटर 5 सेंटीमीटर से कम होगा उसके केस में हम स्मॉल साइज की वेंचुरीज को यूज करेंगे, वेंचुरी मीटर्स को यूज करेंगे, जो कि अक्सर ब्रास और ब्रॉन्ज के बनते हैं, और इसमें फ्रिक्शन के लॉसेस को घटाने के लिए हम इनसाइड सरफेस को हम स्मूथली फिनिश्ड कर देते हैं। फिर जब हम लार्ज साइज की, थोड़े से लार्ज साइज की वेंचुरी मीटर के जाते हैं, थोड़े से जो लार्ज साइज के वेंचुरी मीटर उनको बनाते हैं हम कास्ट आयरन से, लेकिन जो थ्रोट का एरिया उसको अगेन ब्रास या ब्रॉन्ज से ही बनाते हैं और उसको स्मूथ कर देते हैं मशीन से टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। और यदि हमारे पास में और बड़ी पाइप्स होती है, अप टू 6 मीटर डायमीटर की पाइप होती हैं, 6 मीटर डायमीटर की पाइप होती हैं, उसके केस में जो जिसको अपन बोलते हैं वेरी लार्ज साइज वेंचुरी मीटर को यूज करते हैं, वो बनते हैं हमारे कॉन्क्रीट के, बट वो भी होते हैं स्मूथ सरफेस कॉन्क्रीट, लेकिन फिर भी जो थ्रोट पार्ट होता है दैट इज मेड ऑफ ब्रॉन्ज, जो कि मशीन्ड किया जाता है, मशीन्ड ब्रॉन्ज पार्ट से मशीन्ड किया जाता है। अच्छा, हम इसमें अब एडवांटेजेस देख लें वेंचुरी मीटर के, हमारे जो एडवांटेजेस हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला एडवांटेज, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू इंस्टॉलेशन ऑफ वेंचुरी मीटर इन द पाइपलाइन इज स्मॉल। जो लॉस ऑफ हेड जो होता है पाइपलाइन में ड्यू टू द इंस्टॉलेशन ऑफ वेंचुरी मीटर इज वेरी स्मॉल। दूसरा, ड्यू टू स्मूथ सर्फेसिस द वेंचुरी इज वेरी लेस अफेक्टेड बाई वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर इसमें बहुत कम होता है, स्मूथ सर्फेस होती है इसमें, वियर और टीयर इसमें कम होता है। और इसके अंदर जो सेडिमेंट्स हैं, जो आपके पार्टिकल्स आ जाते हैं धूल मिट्टी के, उसके क्लॉगिंग करने के, उसको फंसने के उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं सेडिमेंट्स के, लेस चांसेस ऑफ बींग क्लॉग्ड बाई सेडिमेंट्स। इट हैज वेल स्टेब्लिश कैरेक्टरिस्टिक्स ईयर्स ऑफ एप्लीकेशन एक्सपीरियंस। ठीक है, फिर इसके बाद में इसके लिमिटेशंस है, पहली तो है कि ये स्पेस ज़्यादा घेरता है, दूसरा इट इज अ बिट एक्सपेंसिव इन इंस्टॉलेशन एंड रिप्लेसमेंट, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है इंस्टॉलेशन और रिप्लेसमेंट में और ज़्यादा जगह घेरता है, ये तो इसके मुख्यतः दो डिसएडवांटेज है। एप्लीकेशन क्या क्या है, इट इज यूज्ड फॉर लार्ज फ्लो ऑफ वाटर, प्रोसेस फ्लूइड्स, वेस्ट गैसेस एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स, तो ये इसके कुछ एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर हमने देखा, ये हमारे कुछ, ये हमने आज वेंचुरी मीटर के बारे में थोड़ा सा देख लिया। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।